मित्रों नमस्कार, आपका फिर स्वागत है। और आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आज भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई और इस बैठक की जो खास बात रही वो 2 बड़े निर्णय रहे। एक निर्णय पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को जून 2024 तक एक्सटेंशन मिल गया है, यानी वो अध्यक्ष बने रहेंगे। उनका कार्यकाल इसी महीने 30 जनवरी को ख़त्म हो रहा था, तो उनको लगभग डेढ़ साल का कार्यकाल उनका बढ़ाया गया है। इसलिए कि अभी 9 राज्यों के चुनाव हैं और फिर 2024 के आम चुनाव हैं, तो भाजपा नहीं चाहती कि इस दौरान उनके जो संगठन के चुनाव हैं उनमें एनर्जी लगाई जाए और जो व्यवस्था चली आ रही है 2024 तक रहे, क्योंकि मई में नई सरकार बन जाती है तो जून में नई सरकार बनने के बाद नया अध्यक्ष और जो संगठन के चुनाव होंगे वो होंगे। उससे बड़ा निर्णय आज ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। आप कहेंगे ये बात तो सबको पता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही एक नियम बनाया था कि 70 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र हो जाएगी उन्हें संवैधानिक पदों पर नहीं बिठाएंगे, यानी उन्हें न तो मंत्री बनाएंगे न किसी संवैधानिक पद पर बिठाएंगे। एक दो निर्णय को छोड़ दें, अगर जैसे बीएस येदुरप्पा को छोड़ दें, तो येदियुरप्पा को 75 साल की उम्र में कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि येदुरप्पा लिंगायत नेता हैं और उनके बिना भाजपा को चुनाव नहीं जीत सकती है। तो अभी कर्नाटक में चुनाव होने वाले इसी साल और पार्टी येदुरप्पा को नहीं छोड़ सकती है, जबकि उनको पहले नाराज़गी के कारण पहले उनको हटा दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उनका बेटे को भी टिकट दिया गया, वो सांसद हैं। एक बेटे को उनको कर्नाटक सरकार में मंत्री बनाने की बात चल रही है और उनको खुद जब वो मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया गया तो दिल्ली में उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। तो अभी फिर चर्चा है कि शायद फिर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि वो वहाँ के मास लीडर हैं, उनके बिना बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। इसके अलावा 70 साल की उम्र के जितने भी नेता थे उन सबको हटा दिया गया है, चाहे नजमा हेपतुल्ला रही हो, प्रकाश जावड़ेकर रहे हों या और भी जो लोग थे जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर और 70 टच भी नहीं किए थे, उनको भी प्रधानमंत्री ने हटा दिया था। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उम्र है वो 74 साल हो रही है और जब 2024 के चुनाव होंगे तो उनकी उम्र लगभग 75 साल हो रही होगी, यानी 75 से थोड़े से कम होंगे। 2050 का उनका जन्म है तो अभी 73 साल की वो हो गए हैं, तो 73 साल और अगले साल एक और लगाओ तो 74 साल से थोड़ा सा बड़ा उनकी उम्र हो जाएगी। और जब वो चुनाव लड़ेंगे 2024 में तो एक सवाल उसमें उठना था कि प्रधानमंत्री की उम्र 74 साल हो गई है तो अब किसी और नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने चूँकि अभी जितने भी चुनाव हैं वो मोदी के नाम से लड़े जा रहे हैं और मोदी के नाम से चुनाव जीते जा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इसी बैठक में एग्जीक्यूटिव मीटिंग में ये तय करा दिया कि अगला चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी अध्यक्ष जेपी नड्डा बने रहेंगे और प्रधानमंत्री का जो पद का चेहरा होगा वो नरेंद्र मोदी होंगे। तो 70 साल के बाद प्रधानमंत्री को पद छोड़ देना चाहिए था, पर चूंकि उनके नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है तो इसलिए उनको पद नहीं छोड़ सकते। 2024 का चुनाव जब होगा तो भी उन्हीं के नाम पे वोट मांगा जाएगा और फिर उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और अगर वो अपनी बात मान लेते कि चलिए 75 साल में वो रिटायर होंगे, तो 75 साल में रिटायर होने का मतलब हुआ कि 2025 में वो 75 साल के पूरे हो जाएंगे, तो उनको 25 में छोड़ेंगे क्या? तो जैसे बात चल रही है कि
अगर वो 2024 का चुनाव छोड़ते तो उन्हें राष्ट्रपति बनना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभी बनी है तो उनको 1 साल हुआ है, यानी उन्हें 4 साल इंतजार और करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने ये चर्चा की है कि प्रधानमंत्री ने जैसे पहले कहा था कि वो एक झोला उठाएंगे और जंगलों की तरफ चल पड़ेंगे, यानी वो सन्यासी हैं, फकीर हैं, चल पड़ेंगे, तो क्या ऐसी कोई प्लानिंग है कि 2025 की कि प्रधानमंत्री सब कुछ छोड़ छाड़ के, राजनीति छोड़ के और कहीं सन्यासी बनकर आराम करेंगे? तो जो प्रधानमंत्री का रुख है उसे तो नहीं लगता है, क्योंकि वो सत्ता का जो सुख वो भोग रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो सत्ता छोड़ पाएंगे, तो इसलिए वो 2024 का चुनाव जीतेंगे। और चूंकि अपोजिशन उनके सामने नहीं है तो निश्चित तौर पर वो 2024 का चुनाव जीतेंगे, और मुझे तो ऐसा लगता है कि 2019 के से भी ज़्यादा मतों से वो 2024 में जीतने वाले हैं। तो फिर सारी पार्टी एक रेजोल्यूशन पास करेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, और 2029 में तब उनकी उम्र करीबन 78-79 की होगी, तो हो सकता है कि तब वो फिर पद छोड़ दें और तब तक राष्ट्रपति का भी पद खाली हो जाएगा, और उसके बाद फिर उनका उत्तराधिकारी कौन हो, अमित शाह होंगे या योगी आदित्यनाथ होंगे, ये मेरे ख्याल से तभी तय होगा। लेकिन 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया। आज इस बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया से जब वो बात करने आए तो उन्होंने कहा था कि जेपी नड्डा को जून 2024 तक का कार्यकाल मिला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा मिलकर बीजेपी को चुनाव लड़ाएंगे। तो ये एक बड़ा आज डिसीजन हुआ। इसके अलावा तो मित्रों, पाकिस्तानी आतंकवादी मक्की वैश्विक आतंकी घोषित हो गए हैं। ये संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के मोर्चे पर भारत को एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के उप प्रमुख अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। चीन द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा के उप प्रमुख मक्की को काली सूची में डालने के भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव में अड़ंगा लगाने से पीछे हटने के बाद ऐसा हुआ, क्योंकि चीन को वीटो का अधिकार है, तो जो वीटो लगा देता है तो फिर ऐसा होगा। इससे पहले भी जो लश्कर ए तैयबा का हेड है उसको भी इन्होंने नहीं आतंकवादी घोषित नहीं करने दिया था, बहुत मुश्किल से, उसमें बहुत मुश्किलें आई थी। वरुण गांधी और कांग्रेस की विचारधारा में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल हो सकने की अटकलों के बीच राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि उनके चचेरे भाई और कांग्रेस की विचारधारा में बहुत अंतर है। उन्होंने कहा, घोषणा की कि यदि कोई उनका गला भी काट दे तो वह आरएसएस के कार्यालय नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने कई मामलों को लेकर भाजपा के अक्सर आलोचना करने वाले वरुण गांधी को लेकर कहा कि मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूं, उन्हें गले लगा सकता हूं, लेकिन मैं उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये जैसा भी चल रहा है कि वरुण गांधी और उनकी माँ मेनका गांधी भाजपा से नाराज चल रही हैं। भाजपा ने उन्हें पहले मंत्री पद से हटाया और फिर उनको जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी हटा दिया। तो इस बैठक में जो 2 दिनों का शो था दिल्ली में, उसमें मेनका और वरुण कहीं नहीं दिखे, जबकि उनको किसी को माँ बेटे में से किसी एक को रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा। तो इसलिए ये एक अटकल है कि शायद वरुण गांधी कांग्रेस में जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो कुछ और खबर, जैसे दाऊद इब्राहिम ने की पाक महिला से दूसरी शादी। भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम ने राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण NIA को बताया, जो उसके भांजा है दाऊद इब्राहिम का, उसने NIA को बताया कि उसने दूसरी पत्नी रख ली है, यानी दूसरी शादी कर ली है, और वो पाकिस्तान में है, और उसने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया, ये उसने झूठ बोला था।
दुर्घटना के बाद भाग रहे स्कूटर सवार युवक ने बुजुर्गों को 1 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटा। बेंगलुरु में स्कूटर सवार एक युवक ने मंगलवार को एक बुजुर्ग व्यक्ति की गाड़ी से टक्कर मार दी और वहां से भागने का प्रयास करते हुए 1 किलोमीटर तक उस बुजुर्ग को सड़क पर घसीटा। कई लोगों ने उस भयावह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा। पेशा से प्रकाशक मुथप्पा की बेलोर गाड़ी में एक स्कूटर सवार ने पीछे से टक्कर मार दी और मुथप्पा ने युवक को रोकने की कोशिश की तो वह भागने लगा और स्कूटर सवार ने उसे घसीटता रहा। उसके युवक की पहचान हो गई। अल्पसंख्यकों की पहचान पर 6 राज्यों के प्रति सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों को पहचान दिलाने के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर सहित 6 राज्यों को एवं केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र को अपनी राय नहीं देने पर मंगलवार को नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति ए के कौल, न्यायमूर्ति ए एस ओका, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाल की पीठ ने कहा कि यह समझ नहीं पा रहे हैं कि इन राज्यों ने अपनी अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया है। पीठ ने कहा कि हम केंद्र सरकार को उनकी प्रतिक्रिया लेने का समय अवसर देते हैं, ऐसा नहीं करने पर हम मान लेंगे कि उसके पास कोई जवाब नहीं, कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। उत्तराखंड राजमार्ग पर भूस्खलन की आशंका बढ़ी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार पेड़ पौधों के हटाए जाने और ढलाव को अस्थिर करने के कारण उत्तराखंड के जोशीमठ और ऋषिकेश के बीच में राजमार्ग का भूस्खलन का खतरा बना हुआ है और वैज्ञानिकों ने NH7 राजमार्ग पर 247 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए प्रति किलोमीटर 1.25 बार हिमस्खलन आने की जोखिम दर्ज किया गया। होशियारपुर के यात्रा के दौरान राहुल गांधी को गले लगाने की कोशिश, राहुल गांधी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी पंजाब में ही एक लड़के ने प्रधानमंत्री के को एक माला पहनाने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उसे रोका और अब राहुल गांधी को भी एक व्यक्ति ने गले लगाने की कोशिश की। और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में ख़त्म होगी और इसमें होशियारपुर में एक व्यक्ति राहुल गांधी को की ओर दौड़ा आया और उसने गले लगाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस नेता के साथ चल रहे अन्य नेताओं ने उसे वहां से हटा दिया। BRS की जनसभा में शामिल होंगे केजरीवाल, अखिलेश व अन्य नेता जो अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, उन्होंने BRS, उनके जो TRS है उसको BRS बना दिया, भारत राष्ट्र समिति। तो वो उनकी मीटिंग होगी, एक जनसभा होगी, तो उसमें केजरीवाल को और अखिलेश को और वाम दलों को बुलाया गया है। मित्रों, वैश्विक स्तर पर देश की छवि पूरी तरह बदल गई है। ये आज BJP के नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज भारत में भारतीयों की बहुत इज्जत बढ़ी है और जो पहले हिंदुस्तान के नाम से जो देशों में चर्चा नहीं होती थी लेकिन अब चर्चा होती है और उन्होंने प्रधानमंत्री को उसका सारा क्रेडिट दिया। 60 साल में पहली बार चीन की आबादी घटी है। चीन में 60 साल में पहली बार गिरावट आई है और 2022 में 8,50,000 घटकर 1,411 अरब हो गई है। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने इस बात खबर दी है और 2023 में भारत चीन को ओवरटेक कर लेगा। वैश्विक आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती, ये ओम बिरला जी कह रहे हैं। आज उन्होंने केन्या में उसके राष्ट्रपति से मुलाकात की और कहा कि आतंकवाद से निपटना हम सबकी जिम्मेदारी है।
कोरिया ने जापान को 2-0 से हराया विश्व हॉकी कप में। भारत में भुवनेश्वर में वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें कोरिया ने जापान को हरा दिया है। और इसके अलावा जो हमारे गोलकीपर है श्री जेश, जो जबरदस्त गोलकीपर है, तो क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही है तो उनकी जगह कृष्ण पाठक को तैयार किया गया है। जब जरूरत पड़ेगी तो कृष्ण पाठक उनकी जगह लेंगे। चीन में वृद्धि दर 3% रही है, भारत में 6% से ऊपर है। और मित्रों, एक चीन से एक और दुखद खबर आ रही है कि चीन में अभी तक 9 लाख लोग मर चुके हैं कोविड के कारण। और ये भी खबर है कि 60,000 लोग रोज़ाना वहाँ मर रहे हैं। बड़ी दुखद स्थिति है। अलग अलग मीडिया की खबरें पूरी तरह से नहीं आ पाती, लेकिन जो छनकर खबर आई है वो यही है कि चीन में कोविड से मरने वाले की संख्या बड़े पैमाने पर, वहाँ ग्रेवयार्ड बने में लोगों को दफनाने की जगह नहीं मिल रही है। तो मित्रों, आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।